के सिलसिले में हमने मालेगांव में शांतता कमेटी की बैठक रखी थी। सर्वप्रथम मैं मेरे तमाम मालेगांव के भाइयों को और बहनों को इस्लामी नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, जो आज से शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में जो मुहर्रम का त्यौहार है, उस सिलसिले में शांतता कमेटी की मीटिंग में विविध मसले हुए, वार्तालाप हुआ। पिछले साल की तरह ही हमने इस साल भी जो शासन ने परिपत्र निकाला है उसको मद्देनजर रखते हुए अलग अलग रूट डिसाइड किए हैं। जो पिछले साल के रूट थे वही रूट रहेंगे। जैसे पिछले साल वो रूट पे इम्पोर्ट महत्वपूर्ण जगहों पे कॉरपोरेशन की तरफ से वाहन मुआवजा किए गए थे, जहां से जो ताबूत पंजे थे वो आगे ले जाए गए थे, उसी तरह इस साल भी जो रूट्स है उन पे दिए गए जगहों पे कॉरपोरेशन की तरफ से गाड़ियां रखी जाएंगी। पिछले साल शायद 18 गाड़ियां थी, इस साल कॉरपोरेशन ने जो माहिती दी है उसके तहत 30 गाड़ियों तक इंतजाम किया जाएगा। उसमें जहां पे जिस रूट पे ताबूत की संख्या ज्यादा रहेगी वहां पे ज्यादा गाड़ियां रखी जाएंगी। मैं मालेगांव के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि कोरोना की परिस्थिति मद्देनजर रखते हुए और जो तीसरी वेव इसकी मानी जा रही है कि बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक होगी, उसको सामने रखते हुए इस साल का भी जो अपने सारे त्यौहार जो आने वाले हैं वो ज्यादातर अपने घर पे ही मनाएं, क्योंकि इस बीमारी से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने बच्चों को और अपने समाज को बचाना है।